Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request. Please get connected to the Telegram channel above, join it so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter so that you can download it and use it for your future reference basis very importantly at the end is if you have not subscribed to our youtube channel please do make that a task for the day and subscribe to our channel and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. Hello and uh, welcome to Stevenson Makes It Easy, where I will try to answer maybe one or two questions. Jo aap mein se log jo undergraduate courses. Ke andar, वैसे वो बी कॉम होगा बी ए होगा या बी एस सी या बी कॉम के अंदर जो सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज आते हैं उसमें एडमिशन के लिए आप ट्राई कर रहे हो ओके okay. आप में से जितने लोगों का एडमिशन कंफर्म हो चुका है आपके मन चाहते हुए कॉलेजेज में आपको एक लाइक like बनता है और आपको कंग्रेचुलेशन बनता है बट ये जो वीडियो है या लेक्चर है ये उन लोगों के लिए है या उन स्टूडेंट्स के लिए है जो दूसरी कैटेगरी में आते हैं उस कैटेगरी में आते हैं जिन लोगों का नाम सेकेंड लिस्ट में नहीं आया और सेकेंड लिस्ट देखने से ऐसी फीलिंग भी आती है कि थर्ड लिस्ट में वेदर मेरा नाम आएगा कि नहीं आएगा ओके okay. जल्दी से पहले सेकेंड लिस्ट कितने कॉलेजेस ने और किस किस परसेंटेज या मार्क्स पर उन्होंने कट ऑफ किए हैं वो हम जल्द से देख लेते हैं उसके बाद में अगर आपका नाम नहीं आया है और थर्ड लिस्ट में वेदर वो पॉसिबिलिटी है या उसके बाद में वेदर एक लिस्ट आती है कि नहीं आती है उसके बारे में हम जल्दी से डिस्कस कर लेंगे होपफुली बाय द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर आपका जो टेंशन का लेवल है जो मैं फुली अंडरस्टैंड करता हूँ होगा ही होगा ओके okay? खास करके अगर आपका परसेंटेज इतना अच्छा नहीं है ओके, अनफॉर्चुनेटली द एजुकेशन सिस्टम जो हमारे भारत देश में फॉलो uh, होता है वहाँ पर uh, काफ़ी इंस्टीट्यूट्स में कैपेबिलिटी जो है वो देखी नहीं जाती है पर जो परसेंटेज आप ऑप्टेन करते हो या जो मार्क्स आप, आपके बोर्ड एग्जामिनेशनस में लेकर आते हो उसके आधार पर उसके बेसिस पर आपको एजुकेशन आगे का या एडमिशन आगे का मौका दिया जाता है ओके okay, सो so, Uh, आगे जाते हैं uh, जो भी ऑटोनॉमियस कॉलेज है uh, obviously वो इस लिए ऑटोनोमियस हुए हैं क्योंकि द क्वालिटी ऑफ टीचिंग द क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन colleges में अच्छा है तो लगभग ये जो सारे मुंबई में situated autonomous colleges है सभी यहाँ पर second लिस्ट ज़रूर आया उन्होंने second लिस्ट में बच्चों के नाम भी डिस्प्ले किए बट कुछ कॉलेजेस में सेकेंड लिस्ट में गिने चुने ओके okay? मतलब आप उंगलियों पे गिन सकते हो इतने ही नाम पे क्योंकि मैक्सिमम जो एडमिशन होता है वो फर्स्ट लिस्ट में ही एटलीस्ट ये जो ऑटोनोमियस कॉलेजेस है या जो वेल well नोन प्रसिद्ध फेमस कॉलेजेस हैं मुंबई के डिवीजन में ऑटोमेटिकली वहाँ पर हो जाता है तो सेकेंड लिस्ट में नॉर्मली नाम तभी आ पाता है अगर कुछ बच्चे जो है एडमिशन अपना कैंसिल कराएगी और उसी तरह इन कॉलेजेस में थर्ड लिस्ट अगर होगा वो तभी होगा और उतने ही सीट्स के लिए होगा अगर प्रीवियस लिस्ट में जो बच्चों ने एडमिशन लिया है उन्होंने अपना एडमिशन कैंसिल कराया होगा राइट नाउ थर्टीत ऑगस्ट के लिए आप में से काफ़ी लोग रुके हो होप कर रहे हो ये आशा है आपकी कि आपका नाम उस थर्ड लिस्ट में आ जाए और अगर नहीं आता है थर्टियत ऑगस्ट को तो आप क्या कर सकते हो ओके वेरी क्विकली ऊपर जो लिखा गया है वो uh, जब मैंने ये लेक्चर स्टार्ट किया मैंने कहा कि आप अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज ऑफ़ बी कॉम ऑफ बी एस सी एंड बी ए बट प्लीज़ नोट कि बी कॉम के अंदर देर आर मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल एक नॉर्मल बी कॉम होता है उसके अलावा यू डू हैव बी एम एस बैचलर ऑफ़ मैनेजमेंट स्टडीज अकाउंटिंग एंड फाइनेंस बैचलर ऑफ़ बी बी आई बैंकिंग एंड इंश्योरेंस फाइनेंशियल मार्केट इतना फेमस नहीं है क्योंकि ज़्यादा कॉलेजेस उसे सिखाते नहीं हैं सिमिलरली रिटेल मैनेजमेंट ओके ये भी इतना फेमस नहीं है क्योंकि ज़्यादा कॉलेजेस इसे सिखाते नहीं हैं और ये काफ़ी लेटेस्ट है इनफैक्ट ये लिस्ट में मिलना थोड़ा मुश्किल है अगर आपका कॉलेज में नाम नहीं आया है बट आप जानते हो कि एक ऐसा कॉलेज है जहाँ पर ये नए कोर्स सिखाए जा रहे हैं एंड अगर आपको इंटरेस्ट है और अगर उसमें सीट अवेलेबिलिटी है तो मैं डेफिनेटली आपसे ये रिक्वेस्ट जरूर करूँगा या आपको सजेस्ट जरूर करूँगा अगर आपका उस कोर्स में इंटरेस्ट है अगर आपको लगता है कि फाइनेंशियल मार्केट और रिटेल मैनेजमेंट और हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट और ट्रैवल एंड टूरिज्म से कनेक्टेड कुछ वोकेशनल कोर्सेज रहते हैं इफ़ यू आर इंटरेस्ट इन दैट प्लीज़ डू मेक श्योर दैट यू एटलीस्ट टू परसू इट ओके एटलीस्ट कोई ना कोई कोर्स में कोई ना कोई कॉलेज में आपको आपका सीट कुछ भी करके बुक करवाना है ताकि जो आपका ये आने वाला साल है वो वेस्ट ना जाए ओके okay? आगे जाके मैं चर्चा करता हूँ कि अगर सर से मैंने सीट बुक करा लिया फ़ीस पेमेंट कर लिए मेरा कॉलेज भी स्टार्ट हो गया है इज़ देर अ पॉसिबिलिटी के दूसरा जो मेरा मनचाहा कोर्स और कॉलेज था, उसमें मेरा नाम आ सकता है क्या वो गुंजाइश है उस पर हम थोड़ी देर में आते हैं एक दो दिन पहले का टाइम्स ऑफ इंडिया का रिपोर्ट नॉर्मल कॉलेजेस जो प्रसिद्ध कॉलेजेस है जहाँ पर हम में से काफ़ी लोगों को जाने की तमन्ना है इच्छा है डिज़ायर है ओके वो उनका रिजल्ट सेकेंड लिस्ट का कट ऑफ आया और काफ़ी लोगों को वो कट ऑफ इतना मन भावना इतना मनपसंदी नहीं था क्योंकि जैसे मैं जानता हूँ जैसे हम थोड़ी देर में जाएंगे हाँ एक और बात जो मैं क्लियर कराना चाहता हूँ जिनका एडमिशन फर्स्ट लिस्ट में हो गया और जिनका एडमिशन सेकेंड लिस्ट में हो गया बट देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि उनको आ, दूसरे कोई कॉलेज में अगर शिफ्ट कराना है या फर्स्ट लिस्ट में आया और सेकेंड लिस्ट में मन चाहे कॉलेज में आया इसके लिए उनको शिफ्ट कराना है वेदर वो रिफंड का मुद्दा हो या वेदर वो अपना एडमिशन कैंसिलेशन का मुद्दा हो ओके okay? जैसे ये डी जी रूपारेल कॉलेज का इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है ये उनके वेबसाइट पे अवेलेबल है उन्होंने वो भी ऑनलाइन रखा है ओके okay? अगर आपको आपका एडमिशन कैंसिल कराना है उन्होंने एक लिंक प्रोवाइड किया है तो अगेन ये इंफॉर्मेशन के कितना परसेंटेज ऑफ फीस आपका कैंसिल होगा कब से कब तक कैंसिल होगा क्योंकि ये मुंबई यूनिवर्सिटी के गाइडलाइंस फॉलो करते हैं 99% परसेंट इनके रूल्स और बाकी जो एफिलिएटेड कॉलेजेस है उनके रूल्स वेदर वो एडमिशन कैंसिलेशन का हो वेदर वो रिफंड की पॉलिसी का हो एंड दी अमाउंट ऑफ डिडक्शन सारा कुछ नॉर्मली सेम और उनके वेबसाइट पर क्लियर कट वो अवेलेबल होगा ओके सो होपफुली ये थोड़ा क्लियर हो जाता है ओके okay? एंड्रूज uh, कॉलेज में uh, पिछले दो तीन सालों से मैं काफ़ी बच्चों से ये सुनता आ रहा हूँ का काफ़ी क्रिश्चियन बच्चे वहाँ पे माइनॉरिटी के अंदर अप्लाई करते हैं एंड पता नहीं किस तरह की इकोनॉमिक्स है पर एंड्रूज़ कॉलेज में माइनॉरिटी का जो परसेंटेज है ऑफ कट ऑफ वो नॉर्मली हाई रहता है और जो कट ऑफ ऑफ ओपन कैटेगरी होता है इवन फॉर अ बीकॉम नॉर्मल क्लोज कोर्स वो कम रहता है इनफैक्ट एंड्रूज कॉलेज ये अपने एडमिशन के नोटिस में क्लियरली बोलता है कि आप पूरी कोशिश करो कि आप इफ यू आर अ क्रिश्चियन माइनॉरिटी स्टूडेंट आप माइनॉरिटी में भी और ओपन कैटेगरी में भी फॉर्म भरिए ओके नेवेटलिस एंड्रूज कॉलेज में भी मैं बच्चे ऐसे भी जानता हूँ जिन्होंने कंप्लीट uh, भरोसा रखा कि मुझे एंड्रूस कॉलेज में मिल जाएगा उनको 85 प्लस परसेंटेज था और अनफॉर्चुनेटली लाइक कोर्सेज लाइक बीएमएम वा लेवल तक इवन लाइक एटी सेवन परसेंट एटी एट परसेंट तक भी नहीं पहुंच पाया ओके बेसिकली दीज वर द कट ऑफ्स ऑफ एंड्रूज कॉलेज इन द वेरियस कोर्सेज दैट इट प्रोवाइडेड इट वाज वन ऑफ द मो सिंपल कट ऑफ लिस्ट बिकॉज देर आर सम कट ऑफ लिस्ट जो हम आगे देखने वाले हैं जो पढ़ने में एक तरीके से ऑटोबायोग्राफी लगता है ये धानुकर कॉलेजेस uh, का था ओके okay, या कॉलेज का था उन्होंने ऑब्वियसली अलग अलग कैटेगरीज के कट ऑफ जो थे अलग अलग क्लियरली बताए वेदर वो सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज़ का होगा या वेदर वो प्लेन बीकॉम का होगा उसके बाद में स्टार्ट होता है हिंदुजा कॉलेज यहाँ पे बड़े क्लियरली सभी का नाम सभी का गुड नेम दिया गया था एंड अगेन फॉर डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज एंड फॉर डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज इन्होंने जितने एडमिशन देने थे वो दिए जैसे अगर आप ये मेरे पीछे देख सकते हो ये अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के लिए है सो दिस वॉज द सेकेंड मेरिट लिस्ट विच स्टार्टेड विथ सीरियल नंबर वन विच ऑब्वियसली एट इट्स एंडिड समवेयर एट एटी फाइव सो ओबियसली 85 बच्चों को उसके अंदर एडमिशन मिल गया तो अज्यूम करते हैं कि अगर दो डिवीजन रहेंगे नॉर्मली वो दोनों डिवीजन जो है कम्प्लीटली फिलअप होते हैं तो ये जो मोर फेमस कॉलेजेस है मोर वेल नोन कॉलेजेस है जो टाइम्स ऑफ इंडिया में या बॉम्बे टाइम्स में या कोई भी वेल नोन न्यूज़ पेपर में काफ़ी बार इनका रिपोर्ट आता है इनके फेस्ट का रिपोर्ट आता है इनके कोई ना कोई फेस्टिविटी का रिपोर्ट uh, आता है तो क्योंकि ये इतने वेल well नोन है और डिमांड इनकी सीट्स की ज़्यादा होती है बहुत कम गुंजाइश है कि तीसरा लिस्ट इनके अंदर आएगा और अगर आएगा तो जैसे मैंने कहा उंगलियों जितना है ना उंगली पे गिन सकते हैं उतने ही बच्चों को एडमिशन उसके अंदर मिलने वाला है मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ अभी कि ये जो कॉलेजेज़ हैं जिनको पूरी परमिशन दी गई है कि वो इनटेक बढ़ा सकते हैं एक डिवीजन में इनटेक बढ़ा सकते हैं और जो चाहे तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास है और यूनिवर्सिटी उनको परमिट करती है एक नया डिवीज़न वो इंक्रीज़ कर सकते हैं ये राइट नाउ काफ़ी 50 50 है थर्टी के बाद ही इसका खुलासा हो पाएगा ओके क्योंकि सेकेंड लिस्ट के बाद कॉलेजेस को ये पता चलेगा कितने लोगों ने उनके अंदर एडमिशन करवाया है और कितने लोग वेटिंग लिस्ट में है उनके और अगर वेटिंग लिस्ट वो देखते हैं कि ज़्यादा है देर इज़ अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी कि वो एक नया डिवीजन स्टार्ट करेगी जिसके लिए आप भी प्रेयर कीजिए मैं भी करता हूं क्योंकि उसके अलावा हम अभी कुछ नहीं कर पाएंगे ओके सो दिस वॉज फॉर हिंदुजा कॉलेज वेदर इट वॉज नॉर्मल बी कॉम वेदर इट वॉज बैफ बी बी आई वेरी नीटली एंड आप में से काफी लोगों ने अगर अप्लाई किया था और अगर ये कट ऑफ के ऊपर जो काफी हद तक 90 परसेंट के ऊपर भी था अगर आपका परसेंटेज था आपको डेफिनेटली इसके अंदर एडमिशन मिल गया होगा एंड में हम ये ज़रूर डिस्कस करेंगे कि जिनका एडमिशन नहीं हो पाया है दिस वाज फॉर द आईटी दैट वाज द बीएससी आईटी कोर्स ये मैक्स मैथ्स के जो ट्वेल्थ स्टैंडर्ड का जो एग्रीगेट दिया गया था मैथ्स मार्क्स के बेसिस पे मिलता है दिस इज वन ऑफ द कोर्सेज जहाँ पे मैथ्स का मार्क्स ऑलमोस्ट सभी कॉलेजेस में देखा जाता है बट परसेंटेज नहीं देखा जाता बिकॉज इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सच अ कोर्स वैट द बेसिक्स ऑफ इलेवेंथ एन ट्वेल्थ स्टैंडर्ड मार्क्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन लर्निंग द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो आगे बताई जाएगी लाला लाजपत राय कॉलेज ये अगेन उनके ओपन कैटेगरी का बैफ के लिए सेकेंड मेरिट लिस्ट था दे ऑल्सो पुट अप द कैंडिडेट्स नेम्स एंड द परसेंटेजिज दैट वो ओपटेंड बाई देम अगेन दे हैड द स्पेशल कैटेगरीज अगर माइनॉरिटी था माइनॉरिटी का भी उन्होंने कम्प्लीटली डिस्प्ले कर दिया है बट यू डेफिनेटली कैन नोटिस द नंबर ऑफ एडमिशन्स दैट गिवन नॉट जस्ट इन द फर्स्ट बट इन द सेकेंड लिस्ट ऑल्सो सो बाई लुकिंग एट दिस ये जो भी वेल नोन कॉलेज है उससे ये फीलिंग जरूर आती है और मे बी आप में से कुछ लोगों की उम्मीद जरूर कम हो जाती है कि थर्ड लिस्ट आएगा कि नहीं आएगा क्योंकि वो जो एक एक्स्ट्रा डिवीजन की बात हो रही है वो थर्ड लिस्ट को इफ़ेक्ट नहीं करेगा वो कॉलेजेस तभी डिसाइड करेंगे थर्ड लिस्ट पूरा ख़त्म हो जाए और उसके बाद में अगर उनका वेटिंग लिस्ट काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे रहीजा कॉलेज जो जुहू में सिटेट है उन्होंने भी कुछ ऐसे ही अपना लिस्ट दिया अगेन नॉर्मल कोर्सेज का बी का और उसके अलावा बी के जो सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज थे वो भी उन्होंने दिए जो माइनॉरिटी लेवल है वो यूजुअली एंड्रूस uh, के अलावा तो मुझे पता है कि काफ़ी uh, इतने लेवल पे तो आता है कि अगर आप 65 प्लस परसेंटेज भी लेके आए हो इन कॉलेज़ में एडमिशन की उम्मीद आप डेफिनेटली कर सकते हो ओके मूविंग ऑन दिस वॉज फॉर आर डी नेशनल कॉलेज अगेन प्रोवाइडिंग मल्टीपल कोर्सेज इन मल्टीपल कैटेगरीज इनका भी डिसेंट लिस्ट था Uh, 51 वन स्टूडेंट्स इन द जनरल कैटेगरी फॉर एफआई वाई बैफ वीवन सो इन ऑल प्रोबेबिलिटी लुकिंग एट दिस ऐसा तो लगता है कि दे मे हैव टू डिशन्स जो टू डिशन्स उनको कम्प्लीटली एडमिट uh, बच्चों को करना है ओके मूविंग ऑन ये जनरल एफ आई बी कॉम प्लेन था जिसके अंदर अगेन 52 टू स्टूडेंट्स हैव बीन गिवन एडमिशंस एन आई होप जिनका नाम यहाँ पे आया है आप अपना एडमिशन कंप्लीट करा दीजिए और कोशिश कीजिए कि यहाँ वहाँ से आप नाचने की ट्राई ना करें बिकॉज इन दिस ईयर अगर आपका एडमिशन हो चुका है इट्स नथिंग लेस देन अ ब्लेसिंग बिकॉज इफ़ यू डू लुक एट योर फ्रेंड्स जिनके परसेंटेजेस सेवेंटी एंड बिलो है सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज में मिलना बहुत मुश्किल है इनफैक्ट एक नॉर्मल बीकॉम में भी मिलना काफ़ी मुश्किल है सेकेंड लिस्ट देखने के बाद ओके मूविंग ऑन डी नेशनल कॉलेज के बाद में विल्सन कॉलेज की बारी आती है दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट लेंथीस्ट एंड डिटेल्ड लिस्ट जो विल्सन कॉलेज देता है क्योंकि माइनॉरिटी कैटेगरी के अंदर ये काफ़ी अलग अलग कैटेगरीज uh, को रिकग्नाइज uh, करता है अगेन इनका लिस्ट uh, जिनके वेबसाइट के ऊपर पी फॉर्मेट में ऑब्वियसली अवेलेबल था गुड न्यूज़ फॉर सम नॉट सो गुड न्यूज़ फॉर मैनी वेरी क्लियरली दी एडमिशन डेट एंड दी पेमेंट ऑफ द फीस टू कन्फर्म योर एडमिशन ये भी यहाँ पर दिया गया है कम्पलीटली ऑनलाइन है आपको कॉलेज में एटलीस्ट अगर आपका एडमिशन में नाम आ चुका है विजिट करने की जरूरत नहीं है मैक्सिमम कॉलेजेस उसी तरह से ऑनलाइन ही वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स करा रहे हैं येस yes, उनके रूल्स uh, में एक स्टेटमेंट जरूर होता है कि ये एक प्रोविजनल एडमिशन है और ये एडमिशन कब कंप्लीट या कंफर्म हो जाएगा जब आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इनके ऑफिस में सबमिट करेंगे दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम होपिंग जब आपने जो अंडरटेकिंग दी है दैट इज ट्रुथ सो ऑब्वियसली द डॉक्यूमेंटेशन जो आप डिजिटली भी अपलोड कर रहे हो वो भी सच्चाई होगा और आगे जाके आपके एडमिशन

जो सेकेंड लिस्ट अलग अलग कॉलेजेस ने दिया है ये ऑब्वियसली सभी कॉलेज नहीं है जो थोड़े वेल well नोन है जहाँ पर डिमांड इकोनॉमिक्स वाइज थोड़ी ज़्यादा रहती है सीट की और जहाँ पर कट ऑफ एटलीस्ट ओपन कैटेगरी में ओके okay, मैं माइनॉरिटी की बात नहीं कर रहा थोड़ी ज़्यादा होती है ओके नाउ कम्स द बिगर क्वेश्चन आप में से अगर कोई ये वीडियो देख रहा है अगेन यहाँ पे मैं बता दूँ कि के हम के जे सुमैया या एस के सुमैया जहाँ पर सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज को मूव करके उनके एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र किया गया है आई एम एब्सोल्यूटली नॉट डिस्कसिंग बिकॉज दिस इज़ अ मैटर जो एक तरीके से कोर्ट uh, में है एज द द कॉलेज अथॉरिटीज़ डू से कि हमने ड्यू प्रोसेस फॉलो कर दिया है हमने ऑलरेडी पहले ये बच्चा uh, uh, ये अनाउंसमेंट कर दिया था सो दिस इज़ करंट न्यूज़ उसके ऊपर ज़्यादा एलेबरेट नहीं करते हैं क्योंकि जब तक उसका आउटकम नहीं आता है वी विल नॉट बी डिस्कसिंग ऑन दैट ओके राइट नाउ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सर अगर मेरा सेकेंड uh, लिस्ट में नाम नहीं आया है और परसेंटेज इतना कम है कि सर मुझे लगता नहीं है कि मेरा थर्ड uh, लिस्ट में नाम आ सकता है देर इज़ वेरी बिग पॉसिबिलिटी कि वो होगी एस्पेशली अगर आपका परसेंटेज कम है तो प्लीज़ नोट काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो मैं नहीं जानता क्यों या तो मुझे कहना चाहिए मैं जानता हूँ क्योंकि उनको एक पर्टिकुलर क्राउड चाहिए वो कॉलेज के नाम को कॉलेज के जी पी एस को मतलब उसके जोग्रफ़ी को ओके okay? और कॉलेज में जो 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 फेमस कॉलेज है ओके okay? वो उसी तरफ अट्रैक्ट होते हैं अभी मे बी नॉर्मली वो सही होता था बट ड्यूरिंग दिस ईयर देर वॉज सच अ लॉट ऑफ कंसर्निंग योर एग्जामिनेशन ओके आप में से कितने लोगों ने ये प्रार्थना की होगी चलो भाई अच्छा है बलाटली एग्जाम नहीं हुआ क्योंकि एग्जाम्स नहीं हो पाए देर वॉज अ डिफरेंट मेथड दैट वॉज डिवाइस्ड टू मेक श्यूअर दैट स्टूडेंट पास नाइनटी नाइन पॉइंट नाइन परसेंट स्टूडेंट पास हो गए विच पुस्ट अप ऑटोमेटिकली पुश्ड अप दर्सेंटेज एंड आई रिपीट माई सेल्फ जो एवरेज स्टूडेंट की कैटेगरी में आता है ना सिक्सटी से लेकर सेवेंटी फाइव तक बराबर मैं इसको बोलूंगा एवरेज स्टूडेंट की कैटेगरी में इन लोगों को नॉर्मली जहाँ पे कॉलेज में सीट मिल जाती थी भले ही थर्ड लिस्ट में ये साल काफी मुश्किल होगा मेरा रिक्वेस्ट सेप्टेम्बर टेंथ तक मुंबई यूनिवर्सिटी ने अपना पोर्टल जो है खुला रखा है आपको प्लीज वो पोर्टल पे जाना है उनकी वेबसाइट पे जाना है और अगर आपने कॉलेजेस में अप्लाई नहीं किया है मैं भी किया होगा मैं भी पाँच कॉलेजेस में मैं भी कॉलेजेस में मैं भी आठ कॉलेजेस में बट वो आपने दोस्तों के यू कॉल थिंकिंग में आकर या उनके प्रेशर के वजह से कि यही कॉलेज में जाते हैं वही कॉलेज में जाते हैं प्रैक्टिकली आपका परसेंटेज आपने नहीं देखा होगा राइट right नाउ ये जो बात सत्य है वो आपके दिमाग में फिट हो जानी चाहिए कि अगर मेरा परसेंटेज सिक्सटीज़ टू सेवेंटी फाइव परसेंट है एक्चुअली अच्छे अच्छे कॉलेजेस में तो एट्टी परसेंट भी अच्छा नहीं था इस टाइम पे प्लीज़ अंडरस्टैंड कि इट इज़ गोइंग टू बी क्वाइट डिफिकल्ट आपके अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन और मोस्ट प्रोबेबली जो कॉलेजेस में आपने आपका नाम डाला है देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि थर्ड लिस्ट ना आए और अगर आए और अगर पाँच छः परसेंट का फर्क रहा उस कट ऑफ में और आप में तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि वो उतने लेवल तक आ पाएगा आप प्लीज़ एक्स्ट्रा कॉलेजेस में अप्लाई करें, ओके कुछ महीने पहले uh, जो हमारे प्रधानमंत्री है उन्होंने वोकल फॉर लोकल वोकल फॉर लोकल ऐसा एक नारा दिया था काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं खास करके डिग्री कॉलेजेस में वो अपने लोकल एरिया के कॉलेज में बिल्कुल जाना नहीं चाहते अगर वो पार्ला में रहते हैं या अगर वो ऐसे एरिया में रहते हैं, जहाँ पे कॉलेजेस है डिग्री कॉलेजेस है बट उनको ट्रैवल करना है उनको दूर जाना है आई अंडरस्टैंड आई अंडरस्टैंड दी एज ऑफ यू बींग टीन एजर आई अंडरस्टैंड दी नीड फॉर यू वेंचरिंग आउट विथ फ्रेंड्स मैं पूरी तरह से समझता हूँ बट अगर एडमिशन ही नहीं होगा तो आप कहाँ के रहोगे कहाँ पर जाओगे तो इसके लिए बोल रहा हूँ वोकल फॉर लोकल अगर आपके एरिया में एक नॉट वेरी फेमस कॉलेज है ओके मे बी ये कॉलेज जो है ये सुर्खियों में नहीं आता ये बॉम्बे टाइम्स में नहीं आता है बट डेफिनेटली ये कॉलेजेस एग्जिस्ट करते हैं इतने सालों से क्वालिटी एडुकेशन दे रहे हैं ओके नॉट एवरीबडी कैन बी द मेन लीड इन अ मूवी एंड प्लीज अंडरस्टैंड अगर एक हीरो है उसके पीछे एक पूरी टीम है ओके okay? इसके वजह से वो हीरो अच्छा दिखता है तो उसी तरह से दी वेल नोन फिफ्टीन सिक्सटीन ट्वेंटी कॉलेजेस बराबर they are not just the only heroes of the Mumbai University. There are multiple other colleges, local okay, for vocal. उल्टा vocal for local. अगर आपके एरिया में देर इज अ कॉलेज अ डिग्री कॉलेज जहाँ पे आपके ये जो कोर्सेज है वो पढ़ाए जाते हैं मेरा रिक्वेस्ट है मुंबई यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर जल्दी से उस कॉलेज के लिए आप अप्लाई करें देर इज अ पॉसिबिलिटी कि थर्ड लिस्ट जो थर्टीथ ऑगस्ट को आने वाला है वो थर्ड लिस्ट के बाद में जब सारे कॉलेजेस अपने अपने वेटिंग लिस्ट को देखेंगे अपने अपने एडमिशन के कैंसिलेशंस को देखेंगे उनको ये पता जरूर चलेगा कि कितने सीट्स उनके पास हैं और उसके बाद थर्टीथ के बाद ऑब्वियसली एटलीस्ट एक फोर्थ लिस्ट तो ज़रूर आएगी जितने भी बच्चे अभी कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर रहे हैं अगेन आई रिपीट माई डोंट लूज़ होप अगर आपका वन परसेंट से छूट गया आपके मन चाहे कॉलेज में जस्ट मेक श्योर लेट दैट एप्लीकेशन बी बिकॉज आई हैव स्टूडेंट्स जिन्होंने मुझे ये बताया है पिछले ही साल कि सर मेरे मन चाहे कॉलेज में ना मुझे एक महीने के बाद कॉल आया एक महीने के बाद कॉल आया एंड आई हैड द ऑप्शन ऑफ गोइंग टू दैट कॉलेज बट येस आई हैड टू टेक द रिफंड ऑफ फीस आई हैड टू कैंसिल माई एडमिशन येस इट्स अ क्वेश्चन ऑफ थ्री ईयर्स तो अगर आपका एक महीने के बाद भी आपके मन चाहे कॉलेज में आता है देन वाई नॉट हम हाँ आपका एडमिशन डेफिनेटली कैंसिल करा सकते हो ओके okay? एटलीस्ट आपको आपका कोर्स और मनचाहा कॉलेज मिल जाएगा तो वो उम्मीद हमको रखनी है बट एट द सेम टाइम प्रैक्टिकल भी होना है तो उम्मीद रखिए एंड होप करो कि मे भी तीस तीन हफ्ते बाद एक महीने बाद जब ये सारा लिस्ट कट का बवाल खत्म हो जाएगा मेरे को कॉल आ सकता है क्योंकि मैंने अप्लाई ऑलरेडी कर लिया है बट प्रैक्टिकल भी रहिए और और कॉलेजेस में अप्लाई कीजिए ताकि ये जब भी नया लिस्ट आएगा फोर्थ लिस्ट जहाँ पे ये एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस का एक समरी बनाया जाएगा और इन बच्चों को फिट या तो नया डिवीजन होगा उसमें फिट करने की कोशिश की जाएगी बट अप्लाई ज़रूर कीजिए अप्लाई इन एज मैनी कॉलेजेस एज पॉसिबल ऑन द मुंबई यूनिवर्सिटी वेबसाइट क्योंकि वो तो फ्री है वेदर वो दस कॉलेजेस हो वेदर वो बारह कॉलेजेस हो एंड इनके वेबसाइट्स पे ध्यान ज़रूर दीजिए ऑन रेगुलर बेसिस ऑन डेली बेसिस एक बार तो इनका वेबसाइट चेक ही कर लीजिए क्या इन्होंने उस फोर्थ लिस्ट के लिए कोई अनाउंसमेंट की है या कोई नया डिविजन ये स्टार्ट करने वाले हैं मैं जल्दी से एक क्विक रिक रिकैप नहीं लिस्ट बता देता हूँ ऑफ नॉट दैट वेल नोन कॉलेजेस क्योंकि ये साउथ बॉम्बे में सिचुएटेड नहीं है बट डेफिनेटली वेरी गुड कॉलेजेस इम पार्टिंग फॉर वेरी वेरी मेनी नंबर ऑफ इयर्स सो बिहाइंड मी इज द वर्तक कॉलेज ये स्पेसिफिकली वसई में सिचुएटेड है तो अगर आप बॉम्बे से थोड़ी दूर रहते हो और नाईगाव विरार वसई इज़ योर एरा इट्स अ वेरी गुड कॉलेज ओके अगेन इनके भी लिस्ट निकल चुके हैं फर्स्ट लिस्ट सेकेंड लिस्ट बट इफ़ यू आर अ लोकल पर्सन यू कैन एटलीस्ट मे बी अगर आपने सोचा था कि नहीं मुझे बॉम्बे की तरफ ट्रैवल करना है फ्लाइट ना हो तो बॉम्बे हो या बॉम्बे का बाहर हो सब कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ही चल रहा है और एटलीस्ट ये आने वाले साल में तो चलने ही वाला है तो so, मेरा रिक्वेस्ट है इफ़ यू स्टे इन द विसिनिटी ऑफ दिस कॉलेज इट इज ऑलवेज अ गुड आइडिया टू अप्लाई थ्रू द मुंबई यूनिवर्सिटी और अगर इनके वेबसाइट पर वो अपॉर्चुनिटी मिलता है आप वहां पर भी अप्लाई कीजिए दिस इज अ कॉलेज विच इज लोकेटेड इन विरार विवा कॉलेज के नाम से ये प्रसिद्ध है येस इट इज़ नॉट नैक ए ग्रेडेड बट बी ग्रेडेड है बट येस नैवरलेस अ गुड कॉलेजेस दिस इज़ डी जी कॉलेज जो अगेन वसई में सिचुएटेड है इतना ही है कि स्टेशन के नज़दीक नहीं है स्टेशन से थोड़ी दूर है हाँ तो अगेन जो लोकल स्टूडेंट्स हैं या जो uh, नाय गाँव ऐसे या विरार में रहते हैं उनके लिए इट्स एन एक्सेलेंट कॉलेज एंड अगेन इम्पार्टिंग एजुकेशन गुड क्वालिटी फॉर मल्टीपल यर्स ना अगेन दिस इज़ अ लिस्ट ऑफ कॉलेज जो इस लेक्चर के लिए मैं थोड़ा जो रिसर्च कर रहा था मुझे इन्फॉर्मेशन मिल गया कि इन कॉलेजेस में जो बॉम्बे के अलग अलग एरियाज़ में नॉट वेरी फेमस एरियाज़ बट अलग अलग एरियाज़ में सिचुएटेड है और जो कोर्सेज़ आप चाहते हो वेदर वो बी कॉम हो वेदर वो बी एम एस हो वेदर वो बी बी आई हो या फाइनेंशियल मार्केट हो या जो पुराना बी एम एम था म एम सी ओके ये सारे कोर्सेज ये डेफिनेटली प्रोवाइड करते हैं देर इज अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी क्योंकि ये इतने डिमांड में नहीं है यहां पे सीट की अवेलेबिलिटी हो सकती और अगर ना हो भी आप प्लीज अगर ये आपके वेसिनेटी में लोकेटेड है या नॉट वेरी फार फ्रॉम योर रेसिडेंस बट पहले आपने इस कॉलेज के बारे में ज्यादा सोचा नहीं था या बिल्कुल नहीं सोचा था तो मेरा रिक्वेस्ट जरूर है गो टू द मुंबई यूनिवर्सिटी वेबसाइट इमीडिएटली फिल अप अ फॉर्म इफ इट इज़ पॉसिबल एंड अगर ये कॉलेज के वेबसाइट्स के ऊपर आपको नज़र आता है कि एक नया डिविज़न स्टार्ट हो रहा है या वो एडमिशन का एक नेक्स्ट राउंड का एक सेकेंड राउंड का अपॉर्चुनिटी आपको देने वाले हैं तो प्लीज़ कोशिश जरूर कीजिए प्लीज़ डू नोट वन थिंग ये सारा कॉलेज का लिस्ट ख़त्म हो जाने के बाद में आप में से कुछ लोग ऐसा भी मुझको बोलोगे बट सर ये कॉलेज में मुझे इज़ इट इज़ इट अ गुड कॉलेज इज़ इट अ कॉलेज जहाँ पे सर मुझे फ्यूचर में क्या कैंपस प्लेसमेंट्स होते हैं देखिए वो तीन साल के बाद की कहानी है और वो तीन साल के बाद की कहानी मैं अभी आपको आ, मैं गेस नहीं कर सकता हूँ मैं वो प्रोफेसी क्या कहते हैं भविष्यवाणी वो मैं नहीं कर पाऊँगा बट देर इज़ definitely a good possibility for you to join a college and make sure puri mehnat kar lijiye first year mein barabar okay and there is a possibility of a transfer from this college to another college depending upon us other colleges mein first year के बाद में कोई drop होते हैं कि नहीं होते हैं और seat की availability होती है कि नहीं होती है अगर ट्वेल्थ में मेहनत नहीं की कम परसेंटेज आया इसके वजह से अभी आपको चक्कर मारना पड़ रहा है अच्छे कॉलेजेस के लिए मेरा रिक्वेस्ट है अभी तो एडमिशन ले लीजिए इन नॉट सो वेरी फेमस कॉलेज बट पूरी मेहनत कीजिए थर्टीन स्टैंडर्ड के अंदर मेक श्योर ऑल सब्जेक्ट्स आर कंप्लीटली क्लियर यू पास विद गुड ग्रेड्स ओके गुड क्रेडिट्स एंड यू एटलीस्ट गिव योर सेल्फ एन अपॉर्चुनिटी फॉर अ पॉसिबल ट्रांसफर टू अ डिफरेंट कॉलेज ओके जो मे बी आपका पसंदीदा होगा अगर उस कॉलेज में सीट की अवेलेबिलिटी होगी बट पहला डिपेंड करता है आपके परफॉर्मेंस के ऊपर थर्टीन स्टैंडर्ड का बट येस देर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ ट्रांसफर टू अ डिफरेंट कॉलेज बट फॉर दैट योर एकेडमिक परफॉर्मेंस हैज टू बी इमेकुलेट इन द फर्स्ट ईयर अगेन थर्टीएथ ऑगस्ट थर्ड लिस्ट आई कैन ओनली टेल यू ऑल द बेस्ट बट इफ यू थिंक प्रैक्टिकली सपने अगर आप नहीं देख रहे हो प्रैक्टिकली अगर आप सोच के रखो कि मेरा नाम आना बहुत मुश्किल है गो टू द मुंबई यूनिवर्सिटी वेबसाइट अप्लाई फॉर मेनी मो कॉलेजेस एस्पेशली अगर आपके लोकल एरिया में सिटुएटेड है या ऐसे एरिया में सिटुएटेड है जहाँ पे ट्रैवलिंग में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी ओके okay? हाँ वहाँ पर आराम से तीन साल तो हो ही जाएगा बट येस ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपका परफॉर्मेंस एफ वाई में अच्छा रहा बी कॉम बैफ के अंदर अच्छा रहा एंड अगर आपको ट्रांसफर करना है वो पॉसिबिलिटी uh, होती है बट वो आपके परफॉर्मेंस ऑफ 13 पे डिपेंड करता है आई होप थर्टीथ ऑगस्ट को जब थर्ड लिस्ट आता है ओके okay, उस लिस्ट में आपका नाम हो बट अगर ना हो मेक श्योर डेट एटलीस्ट फोर्थ लिस्ट जो मोस्ट प्रोबेबली टेंथ सेप्टेम्बर के बाद में आफ्टर सम बिट ऑफ रिसर्च दैट द कॉलेजेस विल डू अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ सीट इन दे आर कॉलेजेस ओके वो निकालेंगे वो कितने स्टूडेंट्स को अकोमोडेट कर पाएंगे वो डिपेंड करता है थर्ड लिस्ट के बाद में कितने बच्चे बच बच्च जाते हैं ओके okay, के जिनका एडमिशन नहीं हो पाया है ओके okay? हाँ आप ऑब्वियसली कॉलेजेस में कॉल करके ये जरूर पूछ सकते हो कि वो ऑफलाइन एडमिशन दे रहे हैं कि नहीं क्योंकि कुछ कॉलेजेस हैं गिने चुने ओके okay, जो ऑफलाइन भी बच्चों को एंटरटेन कर रहे हैं आप वहां पर जाके डायरेक्टली उनसे पूछ सकते हो अगर वहाँ पर सीट की अवेलेबिलिटी रहेगी तो ऑफलाइन के माध्यम से वो आपका एडमिशन जरूर करा देगी बट पहले डेफिनेटली एक कॉल कर लेना और कंफर्म करा लेना एंड यस डू फॉलो द सेफ्टी प्रोटोकॉल्स एंड द कोविड प्रोटोकॉल्स व्हेन यू आर ट्रैवलिंग टू दैट पर्टिकुलर कॉलेज एंड कमिंग बैक टिल द टाइम ऑल द वेरी बेस्ट टू यू एंड आई डियली होप थिंग्स क्लिक फॉर यू इन द थर्ड लिस्ट इफ़ इट डजेंट नो अ प्रॉब्लम जो मैंने बताया है प्लीज़ अप्लाई इन एज मैनी कॉलेज एज पॉसिबल एंड गिव योर सेल्फ आपको एक मौका दीजिए ताकि जब वो चौथा लिस्ट आएगा वो जब भी आएगा उसमें एटलीस्ट आपका नाम कंसिडर किया जाएगा फॉर ऑफलाइन एडमिशन्स आप कॉलेज को डेफिनेटली कॉल कर सकते हो ये जो मैंने कॉलेज मेरे पीछे बता दिए थे एंड होप कि वहाँ पर वो ऑफलाइन आपको एंटरटेन करें टिल द टाइम वी मीट अगेन अपना ख्याल रखिए uh, आप यहाँ पर इस चैनल पर इस तरह के वीडियोस तो देखते ही हो जो आपको इन्फॉमेशन प्रोवाइड करते हैं बट बिसाइड्स दैट एडुकेशनल इज़ आर मेन कंटेंट और लेवेंथ uh, से लेकर ट्वेल्थ थर्टीन 14 फिफ्टीन तक यहाँ पे अकाउंट्स ओ सी एस पी इकोनॉमिक्स के अलग अलग सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स यहाँ पर होते हैं वे आर कम्प्लीटली फ्री यू कैन इन्फॉर्म योर फ्रेंड्स एंड मे बी उनको इस चैनल uh, uh, के अलग अलग लेक्चर्स से Uh, फायदा जरूर होगा ओके दैट इज़ इट फॉर मी फॉर टुडे अपना ख्याल रखिए बड़ों का छोटों का परिवार वालों का सभी का ख्याल रखिए गुड यू टू ऑल ऑफ यू गॉड ब्लेस एंड आई डियर होप थिंग्स वर्क आउट द वे यू वॉन्ट टू बाय